दोस्तों रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा वायलेंट होने जा रहा है एंड द रीजन इज दैट यूएसए हैज डिसाइडेड कि ये यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा क्लस्टर म्यूनिशन। ये बेसिकली एक बॉम्ब है जिसके अंदर कई सारे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं। हवा में रिलीज करने पर ये बॉम्बलेट्स डिस्पर्स करते हैं एंड दे कैन हिट मल्टीपल टारगेट्स एट द सेम टाइम। इन टारगेट्स में एक बड़ी बिल्डिंग, टैंक और ट्रूप्स ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये बॉम्ब्स इनका फेलियर रेट काफी ज्यादा है। एक जगह पर कई सालों तक ये डोरमेंट पड़े रह सकते हैं लेकिन रासायनिक गतिविधि के चलते ये कभी भी विस्फोटक बन सकते हैं। यूएसए ने इराक युद्ध 2003 में इनका इस्तेमाल किया था आखिरी बार और उसके बाद इसने डिसाइड किया कि ये इन क्लस्टर म्यूनिशंस का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स अर्बन एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और सिविलियन पॉपुलेशन को इसका काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसका नुकसान रशिया को ज्यादा होगा या लॉन्ग रन में यूक्रेन की सिविलियन पॉपुलेशन को, ये तो समय ही बताएगा। पूरी जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज को जरूर फॉलो करें।